हेलो सिपाहियों, आप जैसे देख रहे हैं जैसे जैसे का एडमिट कार्ड आ गया है उत्पाद सिपाही का, कैसे डाउनलोड करता हूँ चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में या कैफ़े में जाके कंप्यूटर सिस्टम में सरकारी रिजल्ट खोलना है, ठीक है। सरकारी रिजल्ट खोलने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह कुछ दिखेगा आपका स्क्रीन पे। अब देखिए ऊपर में लिखा है रिजल्ट एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब्स, तो आप देख सकते हैं जे SSC एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2019, जो यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है जे SSC एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2019, उसी में आपको खोलना है। आप देखिए, चलिए आप क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो इस तरह खुल जाता है, लिखा है झारखंड जैसे कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2019, ठीक है। अब चलिए इस तरह अब नीचे जाना है धीरे धीरे। इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ डिटेल में, ठीक है। अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक ना। तो वहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसमें क्लिक हेयर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए आप क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगता है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ कैसे कि आपका अपना एडमिट कार्ड खोलना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उसमें आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, शुरुआत होगा 19,000 से, ठीक है। उसके बाद सबका अलग अलग लास्ट 4 डिजिट होता है, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि डालना है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जो आपने एडमिट ये रजिस्ट्रेशन करने वक्त डाला था, ठीक है। वो सबका मैट्रिक के बेसिस पे डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक ना, वही डालना है यहाँ पे नीचे और ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, बताता हूँ, रुक जाइए। तो देख सकते हैं ऊपर में कुछ वो फ़ोटो और एड्रेस दिया, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ से है, एग्जामिनेशन सेंटर लिखा रहेगा इस तरह कुछ, लेकिन ये मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है DAV मॉडल स्कूल, ठीक है, वो डिगवाडी पे है। अब देखिए सबका परीक्षा 9 बजे से ही शुरू होगा और 11 बजे तक। इधर आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ परीक्षा भवन में ही सब कुछ करना है, साइन वगैरह जितना भी कुछ अपने से कुछ करके मत ले जाना, सिर्फ फ़ोटो ले जाना है। चलिए आप डिटेल में बताता हूँ, नीचे दिया हुआ है नोटिस, ठीक है। पहला देखिए लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2 एवं प्रश्न पत्र 3 के परीक्षा विराम अवधि के बिना लगातार 2 पालियों में ली जाएगी। मतलब कि ये आपको गैप नहीं दिया जाएगा, मतलब पर ये परीक्षा 1 जो होगा पेपर 1, उसका परीक्षा देने के बाद गैप होगा, लेकिन परीक्षा ये पेपर 2 और पेपर 3 में आपको गैप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको लगातार उस समय बैठ उठ के देना होगा परीक्षा, ऐसा है कुछ लिखा हुआ है। अब दूसरा नियम है, आपको प्रत्येक परीक्षा से पूर्व पंजीकरण डेस्क पर अपने बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ की पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। मतलब वहाँ आपको ये मशीन के द्वारा ये बायोमेट्रिक में अटेंडेंस बनाना है, ठीक है। इसलिए उम्मीदवार को प्रवेश पत्र एवं मूल ID, तो ये एडमिट कार्ड और आधार कार्ड मतलब मैच करता हो एडमिट कार्ड के साथ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि सब कुछ मिलता हो, वही चीज़ जैसे वोटर ID, आधार कार्ड ये सब लेते जाएं, या फिर पैन कार्ड भी। और लिखा है लिखित परीक्षा सत्र शुरू होने से कम 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करनी चाहिए। मतलब रिक्वेस्ट है परीक्षा केंद्र से कि 90 मिनट पहले पहुँचे, ठीक है। अब देख सकते हैं लिखा हुआ अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र एवं मूल ID, प्रमाण पत्र
प्रमाण और बायोमेट्रिक डेटा के कैप्चर करने के बाद ही परीक्षा कक्ष में अंदर सीट पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। अगर आप ऐसी ये अगर बायोमेट्रिक में वेरिफिकेशन हो गया तभी आपको परीक्षा में बैठा दिया जाएगा, नहीं हुआ तो आपका रद्द कर दिया जाएगा परीक्षा। अब फिर लिखा है अभ्यर्थी के लिए अनुदेश। अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में अंकित नए समय के परीक्षा केंद्र पहुँचे, नियत समय पर परीक्षा केंद्र पहुँचे। परीक्षा केंद्र का दरवाज़ा बंद होने के उपरांत प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, साफ लिखा है, ठीक है। अब लिखा ये अब तीसरा में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश पत्र के में अंकित परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। यानी किसी परीक्षा केंद्र का पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी होगी, मतलब कि आपका जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन का, मान लीजिए आप दूसरा सेंटर कहाँ दूसरा सेंटर पर पहुँच गए तो उस सेंटर में आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब फिर चौथा में है इस प्रवेश पत्र पर हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड किए फोटोग्राफ के सदृश यथास्थान चिपका कर परीक्षा स्थल पर मूल रूप से साथ लें, मतलब कि फोटो अभी हाल का फोटो हो या फिर जो जो चिपका ये रजिस्ट्रेशन के टाइम जो दिए हुए फ़ोटो वो होना चाहिए या फिर हाल का फ़ोटो होना चाहिए वो चिपका के लेते जाएं, ठीक है। यह अभ्यर्थी द्वारा वीक्षक के समक्ष स्व हस्तांतरित किया जाएगा। तो हस्ताक्षर वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पांचवें नंबर पे देख सकते हैं परीक्षा, लेकिन फ़ोटो वहाँ पे चिपका के जाना है, हाल का फ़ोटो है या फिर रजिस्ट्रेशन वक्त दिए थे वो फ़ोटो। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व अभ्यर्थी अपने परीक्षा कक्ष में अपने निर्धारित सीट पर बैठ जाएं, किसी एन सेट पर सीट पर यहाँ लिखा हुआ किसी एन सेट सीट पर नहीं बैठें। फिर छठा में लिखा है अभ्यर्थी के निर्देश दिया जाता है कि वीक्षक अभ्यर्थी स्तर पश्चात में उनके भविष्य के लिए रखे जाएंगे। शारीरिक योग्यता परीक्षा चिकित्सा जांच परीक्षा प्रमाण पत्र जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये सब अगर मान लीजिए आगे हो जाता है आपका उत्पाद सिपाही में तो उसके लिए प्रूफ के लिए सब रखा जाएगा, ठीक है। परीक्षा में उपयोग के लिए कम से कम 2 काली स्याही के बॉल पॉइंट पेन लाएँ, ठीक है। काला कलर वाला पेन लाना है बॉल पॉइंट, ठीक है। जेल वाला मत ले जाना, काला वाला 5 रुपया 10 रुपया बॉल पेन बोलते हैं जिसको, वो लेके जाना है कम से कम 2 एग्ज़ाम हॉल में। पेंसिल लेके नहीं जाना है, ठीक है। ये सब भी देख लीजिए, कैलकुलेटर परीक्षा ये सब में लेके फ़ोन अगर नहीं लेके जाना है, पकड़े जाते हैं तो फिर आपका सजा भुगतना होगा, ठीक है। फिर 9वां स्थान में देख सकते हैं अभ्यर्थी को OMR उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर प्रश्न पत्र पुस्तिका संख्या प्रश्न पुस्तिका रोड के लिए प्रदत्त गोलों को रंगना है, ऐसा ना करने पर OMR उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। OMR में आपका रोल नंबर हर हाल में रंगना है, प्रश्न पत्र पुस्तिका की संख्या भी रंगना है और प्रश्न पुस्तिका कोड के लिए भी गोला को रंगना है, नहीं रंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 10वां में है परीक्षा सुनिश्चित कर लें उनका और वीक्षक हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थानों पर हो गया है, बिना हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक आम मान्य हो, हस्ताक्षर भी करना है OMR सीट जो मिलेगा उसमें। फिर पेपर थ्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, हालांकि पेपर 1 और पेपर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न संबंधित भाषा में ही होंगे। अपने अपने जो ये पेपर 3 चिन्ह होंगे उसी के अनुसार होगा, हिंदी या अंग्रेजी में। वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर 3 जो ये पेपर 3 है जनरल और झारखंड वाला वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। 14वां नंबर पे मत
दाता पहचान पत्र ले सकते हैं, मतलब वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक मूल पहचान पत्र अपने साथ रखें। फिर 15 नवंबर पर है परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की तिथि परिवर्तन का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में विचार ही नहीं है। मान लीजिए परीक्षा का डेट जो दिया गया वही डेट पर होना है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर 16 नंबर पर अभ्यर्थी प्रथम पत्र के परीक्षा उपरांत परीक्षा पत्र से बाहर जा सकते हैं, लेकिन द्वितीय प्रथम पत्र के परीक्षा में उपरांत परीक्षा कक्ष से बाहर जा सकते हैं, लेकिन द्वितीय पत्र हेतु प्रवेश पत्र में उल्लिखित समय अनुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। द्वितीय और तृतीय के बीच में समय अभ्यर्थी परीक्षा का छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे, यहाँ साफ लिखा। फिर 17वां नंबर देख सकते हैं परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक एवं फोटो लिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि उनका बायोमेट्रिक एवं फोटोग्राफ दर्ज कर लिया गया है। बायोमेट्रिक एवं फोटोग्राफ दर्ज नहीं कराने पर अभ्यर्थी को अनुपस्थित समझा जा सकता है। अब फिर लिखा है परीक्षा मान ले चलेगा उसी समय आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और फोटो, तभी आपका समझ लिए कि आप परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका समझ लिए परीक्षा आप दिए भी होंगे, अगर बायोमेट्रिक नहीं करेंगे तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। और बायोमेट्रिक दर्ज करने के लिए उस दिन सलाह दिया जाता है कि हाथ के उंगलियों में किसी तरह का रंग ना लगाएं, ठीक है, और साथ ही इत्यादि नहीं लगाएं, रंग मेहंदी इत्यादि नहीं लगाएं, ताकि उनका बायोमेट्रिक स्वच्छ रूप से लिया जा सके। फिर 18वां है OMR सीट 3 प्रतियों में है, इसकी प्रथम 2 प्रति वीक्षक को हस्तगत कराएंगे तथा अंतिम प्रति में परीक्षा उपरांत अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, चलिए। और इसके लिए और आगे जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का घंटा भी दबा लें नोटिफिकेशन वाला, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।